हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 8 ईयर सेल्फ कोच सर्टिफाइड एंड 2 ईयर्स कोपोर्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एपेक्स टेस्ट क्लासेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम एपेक्स टेस्ट क्लास कैसे लिखेंगे और इस क्यों जरूरी है और क्या रिक्वायरमेंट होता है इसका हमें सेल्स फोर्स में, इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वह है व्हाट टू सेल्स फोर्स, व्हाट इज सेल्स टेस्ट, व्हाट टू सेल्स इन एपेक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेस्ट क्लासेस इन एपेक्स, हाउ टू क्रिएट टेस्ट डेटा मैनुअल क्रिएटेड फॉर ईच टेस्ट क्लासेस, टेस्ट सेटअप एंड टेस्ट डेटा फैक्ट्री। तो ये सारे में पहले हम बात करें कि हमारा टेस्ट क्लास क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट इन एपेक्स। सो व्हाट टेस्ट इन एपेक्स, सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एपेक्स क्लास राइट करते हैं अपने सेल्सफोर्स में, कोई भी कस्टम फंक्शनैलिटी, कोई भी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए हमें टेस्ट क्लास की जरूरत पड़ता है। मतलब अगर आपने कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई भी लॉजिक एपेक्स क्लास में लिखा है, तो आपने सारा काम जो भी वर्किंग होता है आपको पता ही है, आप सैंडबॉक्स में करते हैं जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ठीक है। तो जब लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो आप जो भी फंक्शनैलिटी एपेक्स क्लास में लिखा है उसको यूनिट टेस्टिंग करते हैं हम। यूनिट टेस्टिंग का मतलब जो आपने फंक्शनलिटी बनाया है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं टेस्ट क्लास में, और उस रिकॉर्ड को क्रिएट करने पे हम चेक करते हैं कि इसका कोड कवरेज कितना है। अगर उसका कोड कवरेज प्रॉपर आ रहा है, इसका मतलब आपका सारा टेस्टिंग प्रॉपर है, मतलब आपका जो कोड लिखा हुआ है वो सही है। तो क्या होता है, जब आप उस एपेक्स क्लास को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपको टेस्ट क्लास रिक्वायर होता है, ठीक है। तो बिना टेस्ट क्लास के आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, आप चाहे चेंजसेट यूज कर रहे हो। और एक एक टाइम पे पॉसिबिलिटी होता है, जैसे आप कोई डिप्लॉयमेंट टूल यूज करते हो, जैसे जो भी आप वहाँ पे बिट बकेट हो गया, गिटहब हो गया, तो वहाँ पे जो रिलीज मैनेजर होता है वो अपना जब पाइपलाइन बनाते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि टेस्ट क्लास हो कितने टेस्ट क्लास डिप्लॉय करना चाहते हैं, मैंडेटरी है किसी, कितने भी रिलीज मैनेजर है वो टेस्ट क्लास मैंडेटरी रखते हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो टेस्ट क्लास का कोड कवरेज भी चेंज कर सकते हैं अपने वो रिलीज मैनेजर जो स्क्रिप्ट वो पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। बट जो सेल्स फोर्स रिकमेंड करता है वो आपका 75% एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट आर द टेस्ट परफॉर्म बाई द डेवलपर्स टू एंश्योर दैट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव मतलब जो आपने फंक्शनैलिटी बनाया है तो क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। निगेटिव टेस्टिंग मतलब अगर वो डेटा है ही नहीं, नल आया, तो उस केस में आप कैसे हैंडल कर रहे हो अपने एपेक्स क्लास को, या आपने जो डेटा उसको एक्सपेक्ट किया था वो ना आके कुछ और आ गया, तो उस केस में आपका एपेक्स क्लास कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीजें उसमें मेंटेन रखते हैं हम, ठीक है। तो वी शुड नॉट फोकस ऑन द परसेंटेज ऑफ कोड कवरेज, सेल्स फोर्स रिकमेंड द फॉलोइंग कंपोनेंट नीड टू बी टेस्टेड, सिंगल रिकॉर्ड, ओके, दिस इंक्लूड्स टेस्टिंग टू वेरीफाई दैट अ सिंगल रिकॉर्ड प्रोड्यूस द करेक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी आप रिकॉर्ड, एक क्या होता है कि आप सिंगल रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो अपने टेस्ट क्लास में, या फिर बल्क रिकॉर्ड, एनी एपेक्स कोड वेदर अ टिगर अ क्लास और एक्सटेंशन मे बी यूज फॉर 1 to 200 रिकॉर्ड, वी मस्ट टेस्ट और नॉट ओनली द सिंगल रिकॉर्ड केस बट द बल्क केस आर वेल, ओके। तो आप चेक कर सकते हो कि एक रिकॉर्ड, आप सिंगल रिकॉर्ड पे टेस्टिंग कर लिया तो आपने बल्क रिकॉर्ड पे भी टेस्टिंग करो, कि मान लो इन फ्यूचर किसी ने किसी टूल का यूज करके या डेटा लोडर का यूज करके मतलब 1,000 रिकॉर्ड, 50,000 रिकॉर्ड एक साथ उसने अपलोड कर दिया, तो उस केस में आपके एपेक्स का परफॉर्मेंस क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कोई गवर्नर लिमिट तो हिट नहीं कर रहा है, वो भी टेस्ट करना होता है, ठीक है। देन बात करते हैं पॉजिटिव सिनारियो। दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट टेस्टिंग
एक्सपेक्टेड सिस्टम टू सेव अ रिकॉर्ड विदाउट एरर। तो पॉजिटिव सिनेरियो मतलब जो भी आपने फंक्शनलिटी बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और कोई भी एरर नहीं आ रहा है। नेगेटिव सिनेरियो, दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट टेस्टिंग एक्सपेक्टेड सिस्टम टू गिव अ एरर। तो वहां पे क्या होता है कि हम कुछ गलत डेटा सेंड करते हैं, कुछ और डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है। अगर वो एरर आ रहा है तो उस केस में हमारी जो एपेक्स क्लास है कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसकी फंक्शनलिटी क्या हो रही है, कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है कि रॉन्ग डेटा आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में नेगेटिव सिनारियो भी होता है। रिस्ट्रिक्टेड यूजर, तो रिस्ट्रिक्टेड यूजर में क्या होता है कि टेस्ट वेदर यूजर विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट यूज इन कोड सीज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, दैट इज वेदर दे कैन रन द कोड और रिसीव एरर मैसेज। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई भी यूजर है, कोई प्रोफाइल का यूजर है, उसको कुछ ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, है ना। तो अगर उसने वहां पे जाके कुछ रिएक्शन किया तो उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे? मतलब जिस यूजर के लिए फंक्शनलिटी बनाया गया है उसको अलावा कोई और यूजर आता है तो वो अगर मतलब उसको करता है तो उसमें क्या इम्पैक्ट करता है हमारे सिस्टम पे, उसकी फंक्शनलिटी भी करते हैं कि ऐसा नहीं कोई किसी और यूजर को भी है एक्सेस जा रहा हो। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट क्लासेस इन एपेक्स। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो टू राइट एन इफेक्टिव टेस्ट केसेस अ डेवलपर नीड टू एंश्योर टू इंक्लूड द बेलो पॉइंट टू इन टू द टेस्ट क्लासेस। तो जब भी कोई डेवलपर टेस्ट क्लास क्रिएट कर रहा है तो वो कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखे कि ये हमारा उसमें होना चाहिए। टेस्ट क्लास मस्ट बी स्टार्ट विद और द रेट इज टेस्ट एनोटेशन। तो जो भी आप टेस्ट क्लास बना रहे हो उसके ऊपर टॉप पे आपको और द रेट इज टेस्ट एनोटेशन देना ही होता है। ठीक है, फोकस 90+ टू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, एटलीस्ट 75% कोड कवरेज इज रिक्वायर्ड, बट ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन 90+। वी शुड नॉट फोकस ऑन द परसेंटेज ऑफ कोड कवरेज, वी शुड मेक श्योर दैट एवरी यूज केसेस शुड कवर इंक्लूडिंग पॉजिटिव नेगेटिव बल्क एंड सिंगल रिकॉर्ड। ओके, ओके, तो जो भी आपका था वहां पे बल्क रिकॉर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे बल्क रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ओके, जस्ट होल्ड ऑन। एसआरसी नेगेटिव पॉजिटिव टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग होता है वो आप पॉजिटिव नेगेटिव एंड बल्क सिंगल रिकॉर्ड सारे टेस्टिंग करना होता है कि से आपका पॉजिटिव कैसा चल रहा है, नेगेटिव सिनेरियो में क्या हो रहा है, बल्क रिकॉर्ड में क्या हो रहा है और सिंगल रिकॉर्ड में क्या है। तो सारी फंक्शनलिटी आपको प्रॉपरली टेस्ट करना होता है एज अ डेवलपर। ओके, क्योंकि कोड का टेस्टिंग डेवलपर ही करता है, क्यूए सिर्फ फंक्शनलिटी की टेस्टिंग करता है और उस फंक्शनलिटी के टेस्टिंग में आपका वो क्यूए हो सकता है कि आपने पॉजिटिव टेस्टिंग किया था बट आप क्यूए ने किया नेगेटिव टेस्टिंग भी, तो आपका वहां पे कोड काम नहीं कर रहा है, या आपने सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड पे टेस्टिंग किया बल्क रिकॉर्ड पे टेस्टिंग आपने नहीं किया, तो वहां पे क्यूए आपको बग रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देन वन एसर्ट स्टेटमेंट पर मेथड। तो ऑलवेज पुट एसर्ट स्टेटमेंट फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव टेस्ट, सिस्टम डॉट एसर्ट लाइक जो भी कंडीशन है मैसेज देना है मैसेज दे दो, सिस्टम डॉट एसर्ट इक्वल्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट ये मैसेज भी दे सकते हो, सिस्टम डॉट एसर्ट नॉट इक्वल्स टू अगर उसमें वो इक्वल्स नहीं आया है तो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्चुअल एंड मैसेज में क्या दे सकते हो। ठीक है, तो कभी भी देखो एसर्ट रिक्वायर नहीं है बट मोस्ट ऑफ द कंपनी वो आपको एसर्ट में उसमें लेती है कि आपको एसर्ट यूज करना ही है। ठीक है, तो आपके तो हर रिक्वायरमेंट हर कंपनी और हर प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपका वो टेस्ट क्लासेस लिखना उसका सारी चीजें चेंज होता रहता है, तो कोई भी उसका पैटर्न फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, जो प्रोजेक्ट में जैसा फॉलो होता आ रहा है आप वही फॉलो करोगे। ओके,
देन बात करते हैं टेस्ट सेटअप टू क्रिएट टेस्ट रिकॉर्ड वंस इन अ मेथड एंड यूज इन एवरी टेस्ट मेथड इन दी टेस्ट क्लासेस। ओके, तो अगर आप कोई टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि टेस्ट सेटअप मेथड बनाओ। टेस्ट सेटअप के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है उसको आप इंसर्ट करो, ना कि आप टेस्ट क्लास जो मेथड जहां पे टेस्टिंग कर रहे हो वहां पे बनाओ। हमेशा आप टेस्ट सेटअप के अंदर सारे रिकॉर्ड को इंसर्ट करो। क्रिएट टेस्ट डेटा फैक्ट्री, टेस्ट फैक्ट्री क्लास विद इज एट द रेट इज टेस्ट एनोटेशन टू एक्सक्लूड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कोड साइज लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी क्रिएट टेस्ट डेटा फैक्ट्री है उसको आपको ऑलरेडी हमेशा क्या होगा कि जैसे कि आप टेस्ट क्लास में बार 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 मेथड में सेम रिकॉर्ड को क्रिएट करते हो, मेथड हमेशा बना रहे हो, लिखते हो, तो आप क्या करोगे टेस्ट डेटा फैक्ट्री जब बना लेते हो तो उस टेस्ट डेटा फैक्ट्री को मेथड, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट का है, ठीक है, अब अकाउंट का रिकॉर्ड आपको जरूरत था आपने इंसर्ट कर लिया और आपको सेम वहां पे इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके ओके, तो उससे क्या होगा आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड है साइज का उसका लिमिट एक्सीड नहीं होता है। ठीक है, नो सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू, ऑलवेज यूज सी ऑल डेटा इक्वल टू फॉल्स एट क्लास और मेथड लेवल, यूजर प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन एसिंक एपेक्स जॉब कॉन ट्रिगर ट्रिगर रिकॉर्ड टाइप एपेक्स क्लास एपेक्स कंपोनेंट एपेक्स पेजेज वी कैन एक्सेस विदाउट सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू। ओके, तो कभी भी आपको सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू यूज नहीं करना है। सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू क्या होता है कि आपका जो भी रिकॉर्ड है वो आपके ऑर्ग से फेच करके टेस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोई कंडीशन है, वो कंडीशन में आपका डेटा आपके ऑर्ग में अवेलेबल है, बट जो आप टारगेट ऑर्ग में डिप्लॉय कर रहे हो वहां पर तो उस डेटा है ही नहीं, आपका कोड कवरेज कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए कभी भी टेस्टिंग सी आर डेटा इक्वल टू ट्रू नहीं करते हैं और वहां पे फॉल्स भी नहीं लिखते हैं, मतलब क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। तो अगर आप वहां पे मेंशन करोगे सी आर डेटा इक्वल टू ट्रू तो आपका डेटा वहां पे ऑक से लेने लगता है, अदरवाइज आपको फॉल्स लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं एज एपेक्स रन इन अ सिस्टम मोड सो दैट परमिशन एंड रिकॉर्ड शेयरिंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, सो वी नीड टू यूज सिस्टम डॉट रन एज टू एंश्योर रिकॉर्ड शेयरिंग। तो क्या होता है कि जैसे कि जब हमारा टेस्ट क्लास है वो हमेशा सिस्टम मोड में रन करता है ना, तो अब आप किसी यूजर की शेयरिंग आपको चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करोगे जो भी यूजर है जिस टाइप का यूजर प्रोफाइल है उसको आप सिक्योर करके गेट कर लो या एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके सिस्टम डॉट रन एज करके उसके अंदर टेस्टिंग उसकी करो। तो क्या होगा उस जो सिस्टम जब रन एज करोगे और जिस यूजर की डिटेल्स इसमें पास करोगे वही यूजर के कॉन्टेक्स्ट में आपका टेस्ट क्लास वो रन करेगा। अवॉइड यूजिंग हार्ड कोडिंग आईडीज एवरीवेयर इन टेस्ट क्लास और एनी एपेक्स क्लास, तो कभी भी हार्ड कोडेड कोई कुछ भी होता, कभी कभी आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड टाइप है उसके लिए आप हार्ड कोडेड लिख देते हो, है ना, कुछ आपका वैल्यू है आप उसके लिए हार्ड कोडेड कर देते हो, तो उसको हार्ड कोडेड नहीं करना है आपको। ठीक है, उसको आपको क्या करना है हार्ड कोडेड नहीं करना है, या तो आप कोई कस्टम लेबल है उसमें यूज कर सकते हो ताकि जब आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करो तो उसकी वैल्यू आपको कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको डायरेक्टली वहीं पे कस्टम लेबल में चेंज करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्कीमा आप रिकॉर्ड टाइप के लिए होता है, स्कीमा क्लासेस होता है, तो स्कीमा क्लास को यूज करके भी आप डायरेक्टली उसकी रिकॉर्ड टाइप की आईडी ले सकते हो, बहुत सारी आप ये सारी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। ओके, देन गवर्नर लिमिट्स यूजिंग टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट गिव्स डेवलपर ए न्यू सेट ऑफ गवर्नर लिमिट फॉर द एक्ट स्टेज ऑफ देयर टेस्ट टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट देन अलाउ देम टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस गवर्नर लिमिट टेस्ट क्लासेस मस्ट टेस्ट फॉर द गवर्नर लिमिट यूजिंग द लिमिट क्लास। तो क्या होता है जब भी आप कोई टेस्टिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि जब आपने सारा रिकॉर्ड टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है ना, टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद जब आप उस किसी भी एपेक्स क्लास का मेथड टेस्ट करने जा रहे हो तो उसको टेस्ट हमेशा आप टेस्ट डॉट स्टार्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप के अंदर ही करेंगे,
जब वो करते हो तो आपका वो गवर्नर लिमिट कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो वो अलग होता है, जो सेल्स फोर्स आपको गवर्नर लिमिट देता है। ठीक है। टेस्टिंग एक्सेप्शंस, तो एनी एक्सेप्शन दैट आर कॉट इन दी प्रोडक्शन मेथड शुड बी टेस्टेड बाय फीडिंग द टेस्ट डेटा दैट थ्रो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टाइप एंड एरर मैसेज शुड बी एसर्टेड। ओके, तो जब भी आप एसर्शन अब यूज करते हो तो वहां पे अगर कोई भी डेटा या प्रोडक्शन में आता है तो वो आपको एक्सेप्शन वहां पे थ्रो कर देता है। एक्सरसाइज बल्क ट्रिगर फंक्शनलिटी। ओके, तो एक्सरसाइज बल्क ट्रिगर फंक्शनलिटी यूज एटलीस्ट 200 रिकॉर्ड इन योर टेस्ट। तो आप हमेशा बल्क टेस्टिंग जरूर करो, ताकि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका 200 या टू उससे ज्यादा रिकॉर्ड आ रहा है तो वहां पे कोई एरर आए। ठीक है, तो आप हमेशा 200 रिकॉर्ड लेके टेस्टिंग एटलीस्ट कर लो, ताकि आपका जो भी फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं हाउ टू क्रिएट टेस्ट डेटा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट द टेस्ट डेटा फॉर टेस्ट क्लासेस इन सेल्सफोर्स। तो देयर फर्स्ट मेथड, मैन्युअली क्रिएट इट फॉर ईच टेस्ट क्लासेस। टू क्रिएट अ टेस्ट मेथड कैन वी यू कैन यूज टेस्ट और कीवर्ड आर अदर इज टेस्ट एनोटेशन। सो प्रॉन्स हमारा है कि वेरिएबल इन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्स लॉट ऑफ डुप्लीकेट कोड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैनुअल रिकॉर्ड की जरूरत तो क्रिएट करते हो तो आपका बहुत सारे डुप्लीकेट भी कोड होते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे टेस्ट क्लासेस, चलते हैं अपने एपेक्स क्लास में और बात करते हैं टेस्ट क्लासेस की। ओके, तो यहाँ पे मैं एपेक्स क्लास बनाता हूँ, लिखता हूँ एपेक्स क्लास टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी मैं नॉर्मल मैनुअली चल रहा हूँ। तो मैंने बताया था जब भी आप टेस्ट क्लास बनाते हो तो यहाँ पे आपको देखो, जब भी टेस्ट क्लास बनाते हो तो हमेशा टेस्ट लिखा करो, मैं यही फॉलो करता हूँ। जो भी जिस एपेक्स क्लास का मैं टेस्ट क्लास लिखता हूँ उसी एपेक्स टेस्ट क्लास का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, उसके आगे टेस्ट लिख देता हूँ। तो आपको जो भी अपना फॉलो कर सकते हो, कोई आगे लिखता है, कोई यहाँ पे अंडर स्कोर दे के करता है, तो जो पैटर्न जो फॉलो करे कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको @ इज एनोटेशन देना है। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, मेथड का नाम बनाता है। तो यहाँ पे आप जो भी नाम बनाते हो, आप प्राइवेट भी बना सकते हो, प्राइवेट स्टैटिक वाइड। अब जो भी आप जिस मेथड का टेस्ट कर रहे हो आप वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिएट अकाउंट टेस्ट। ठीक है, जब आप मेथड बनाते हो तो यहाँ पे आपको या तो पब्लिक स्टैटिक जहाँ पे वाइड है, या आप वहां पर टेस्ट मेथड लिखो आगे, या फिर आगे यहाँ पे @ इज एनोटेशन। तो हम लोग एनोटेशन ही यूज करते हैं क्योंकि जो टेस्ट मेथड है वो अभी डेप्रिकेटेड होने वाला, जैसे जो हमारा टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड ये हो सकता है इन इन फ्यूचर सेल्सफोर्स उसको डेप्रिकेटेड कर दे, तो इसलिए हम वहां पे उसको यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग हम यही यूज करते हैं @ इज एनोटेशन। अब जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करना है इसके अंदर मैनुअली कैसे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, सिंपली जो जिससे हम सबके लिए करते हैं अपना ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट, और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना था उसका नाम दे दो टेस्ट, और यहाँ पे इंसर्ट कर दो सिंपली। ठीक है, ऐसे हम लोग मोस्टली टेस्ट क्लास का बनाते हैं। ठीक है, अब जब ऐसे आप लिखते हो अपना टेस्ट क्लास क्रिएट करने के लिए, तो जो ये रिकॉर्ड आपने इंसर्ट दिया है टेस्ट क्लास में, जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो वो एक्चुअल में एपेस क्लास एक्चुअल में सेल्सफोर्स के अंदर इंसर्ट नहीं होता है, ये टेम्परेरली इंसर्ट दिखाता है जब आपका टेस्ट क्लास रन करता है तभी, उसके पहले वो सिर्फ आपका टेस्ट क्लास फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए ही रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे बोलोगे कि यार मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया और अब टेस्टिंग करके अब मैं अचानक मेरा सेल्स पर फिर रिकॉर्ड हो गया, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन में करते हैं तो टेस्ट रिकॉर्ड डिलीट होता करते हैं ना सारी चीजें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, टेम्परेरी आपका रन टेस्ट क्लास आपका वो एपेक्स क्लास का टेस्टिंग के लिए रिकॉर्ड बनता है उसी टाइम पे ऑटोमेटिक वो टेम्परेरी होता है, वो आपके डेटाबेस में कमिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था मैनुअल रिकॉर्ड एक एक क्रिएट करके करने के लिए। अब बात करते हैं यही से हमने टेस्ट मेथड था, तो हमने आपको बताया था कि टेस्ट सेटअप हम बनाते हैं। ओके, इज सेटअप। ओके,
यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक वाइड। तो यहाँ पे मान लोगे ऑल टेस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सारे टेस्ट क्लास जितने भी रिकॉर्ड क्रिएट करना है, मैं इस क्लास जिस एफएस क्लास का मैं वो करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको सारा हम यहाँ पे एक बार में ही टेस्ट क्लास उसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदर इज टेस्ट होता है, आई थिंक टेस्ट सेटअप, ठीक है, टेस्ट सेटअप होता है इनोटेशन। तो इसके अंदर जो भी आपको मतलब करना है, जैसे आप वहां पे इसको कर सकते हो इंसर्ट ऐसे, बाकी इसके अंदर आप सिक्वल क्वेरी करोगे तो आपको यही रिकॉर्ड मिलता है जो इसके अंदर टेस्ट सेटअप के अंदर बनाते हो। तो ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कि जब आप अगर टेस्ट डेटा फैक्ट्री यूज नहीं कर रहे हो तो आपको सारा टेस्ट रिकॉर्ड टेस्ट सेटअप के अंदर इंसर्ट करो और अपना टेस्ट मेथड के अंदर उस फंक्शनैलिटी टेस्ट करो, ठीक है। अब जैसे मैं कोई मेरा रिकॉर्ड है जैसे, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। जैसे कोई मैं एपेक्स क्लास बनाता हूँ, टेस्ट क्लास टेस्टिंग एपेक्स ऐसे करके कुछ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट अकाउंट डेटा करके, ठीक है। यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट दे दिया और एसीसी, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट अकाउंट आईडी, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इक्वल टू दिस, यहाँ पे मैं एक आईडी पास कर दूंगा एसीसी आईडी करके, ठीक है। और हम ऐसा एक रिकॉर्ड यहाँ पे अगर लिस्ट करना चाहते हैं उसको लिस्ट बना सकते हैं हम, तो इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ एसीसी लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कोई इफ कंडीशन, इफ दिस लिस्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे डाल देगा सिस्टम डॉट डिबग टेस्टिंग कंप्लीटेड करके मैं डाल दूँ, ठीक है। ये मेरा टेस्ट क्लास। अब इसकी टेस्टिंग करना है तो कैसे करोगे बेसिकली। अब यहाँ पे आपको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा तो देखो क्या होता है, पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरा टेस्ट क्लास, ये मेरा टेस्ट क्लास है और यहाँ पे इसका कुछ पैरामीटर मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे करके वैल्यू है तो सेव हो जाएगा, टेस्ट कर दो, ओके टेस्ट कर दिया। अब इस टेस्ट क्लास को रन करता हूँ तो देखो हमारे पास हो सकता है एरर भी आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी नहीं डाल के टेस्ट डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टेस्ट क्लास, यहाँ पे टेस्ट पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो सक्सेस हो गया है ना। अब यहाँ पे इसकी चेक करो कोड कवरेज 100%, ठीक है। यहाँ पे आर इक्वल टू ए हुआ और यहाँ पे इसके आईडी तो हमें कुछ आए नहीं, बट यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा कोड रन किया बट इसके अंदर हमारा कोड कवरेज मतलब इसके अंदर का कोड रन नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम डॉट डिबग जो होता है ना वो हमारा काउंट नहीं होता है, किसके अंदर सेल्सफोर्स उसको काउंट नहीं करता है अगर आप सिस्टम डॉट डिबग लगाते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड भी क्रिएट करके चेक कर लेता, न्यू कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू अकाउंट का जो ये नाम आएगा 0 डॉट नेम कर देते, ठीक है, एंड देन इंसर्ट कॉन्ट। अब चेक करते हैं इसकी फंक्शनलिटी, अब हमारा ये इसके अंदर कोड आएगा नहीं मतलब वो रिकॉर्ड कोई आएगा नहीं तो वहां पे कैसे रन करेगा। तो
चलिए दोबारा ट्रेन टेस्ट करते हैं इसको और इसमें चेक करते हैं कोड कवरेज। तो अभी कितना कोड कवरेज आ गया हमारा 50%। क्यों? क्योंकि इस रिकॉर्ड ये मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं आया और इसके अंदर ये कोड हमारा गया ही नहीं। तो पहला गलती कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई टेस्ट ऐसे नहीं लिखते हैं। टेस्ट लिखने से पहले हमें क्या यूज करना होता है, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, ठीक है ऐसे, और उसके बाद टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, ठीक है इसके अंदर ही टेस्टिंग करोगे तो पहला ये आपका खत्म। अभी भी करोगे तो आपका इश्यू आएगा, मतलब अभी टेस्ट क्लास आपका 50% ही है बट ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर जा रहे हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पे चेक करो कितना है हमारे पास, 50% है। ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें हमें जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे अभी इंसर्ट किया है इसकी रिकॉर्ड की आईडी चाहिए। तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्ट्रिंग अकाउंट आईडी इक्वल टू सिक्वल क्वेरी करूंगा, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू दिस वन, जो मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास टेस्ट नाम दिया है। तो ये क्या करेगा, इसी टेम्परेरी टेस्ट टेस्ट डेटा के अंदर ये सिक्वल क्वेरी मेरा चलेगा और रन करेगा कि क्या इसके अंदर मेरा सिक्वल क्वेरी डेटा है या नहीं, ठीक है इसकी आईडी कंप्लीट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास अब डेटा इसके अंदर डेटा आएगा। अब इसी आईडी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर के पास कर दूंगा। तो मेरा क्या होगा टेस्ट क्लास, अब मेरे पास रिकॉर्ड भी क्रिएटेड है यहाँ पे, हमने सिक्वल क्वेरी करके यहाँ पे डेटा भी ले आया और यहाँ पे इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अब कितनी मेरे पास वहाँ पे कॉन्टेक्ट इंसर्ट भी होगा उस क्लास के अंदर और हमारा कोड कवरेज भी 100% हो गया। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आया और कोड कवरेज हमारा इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मान लो कि आपका जो एपेक्स क्लास है वो प्राइवेट है, ठीक है मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, मतलब एपेक्स क्लास प्राइवेट है क्योंकि कभी कभी हम ऐसा क्लास बनाते हैं जो प्राइवेट मेथड होता है, मतलब जो मेथड बनाते हैं जो प्राइवेट होता है हमें नहीं पब्लिक बनाना है उसको, तो उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे। अब अगर यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका टेस्ट क्लास यहाँ पे फेल हो गया ये। अब इसको क्लिक करोगे तो क्या देगा, लाइन नंबर 4 पे मेथड मेथड इज नॉट विजिबल व्हाई दिस दिस दिस, तो मेथड विजिबल नहीं है क्योंकि आप एक प्राइवेट मेथड को किसी दूसरे क्लास के अंदर कॉल ही नहीं कर सकते है ना। तो अब इसको कॉल करने के लिए कैसे करोगे कि प्राइवेट भी हो और मेरा टेस्ट क्लास में रन भी करे, तो इसके लिए एक एनोटेशन आता है एट द रेट टेस्ट विजिबल, ओके ये एनोटेशन यूज करते हैं। अभी जो एनोटेशन यूज करोगे तो इसे क्या होगा, ये टेस्ट ये आपका मेथड सिर्फ टेस्ट क्लास के अंदर विजिबल होगा बाकी कहीं विजिबल नहीं होगा। तो अगर आप दोबारा मैं टेस्ट क्लास को रन करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा टेस्ट क्लास रन सक्सेसफुली एंड कोड कवरेज भी मेरे पास यहाँ पे पूरी आ गई, ठीक है। तो ये था मेरा टेस्ट क्लास। अब आते हैं अपने पीपीटी के अगर पॉइंट पे। ओके अब हमारा पॉइंट टू है लोड डेटा वाया सीएसवी स्टैटिक रिसोर्स। तो क्या होता है कभी कभी आपको अगर मतलब आपने ऑलरेडी कुछ डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है मतलब अपलोड करके रखा है, वी कैन यूज टेस्ट डॉट लोड डेटा मेथड टू क्रिएट टेस्ट डेटा इन आवर टेस्ट क्लासेस प्रो, डोंट नीड टू मेक कोड अपडेट और रिकॉर्ड क्रिएशन। कॉन्स क्या है हमारा, माइट बी हार्डर टू ट्रैक चेंजेस टू स्टैटिक रिसोर्स, क्योंकि जो आपने सीएसवी फाइल है वो अपने स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड कर दिया है और आपको उसको यूज, ठीक है। तो क्या होता है कि आप यूज कर सकते हो बट बहुत हार्ड हो जाता है उसको ट्रैक करना, ओके तो हम इसलिए इसको फॉलो नहीं करते। तो हमारा जो मेन है एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कि जैसे कि मेरा कोई स्टैटिक रिसोर्स फाइल है, तो लोड द टेस्ट अकाउंट फ्रॉम द स्टैटिक रिसोर्स, तो दो हमारा यहाँ पे टेस्ट यस ऑब्जेक्ट टेस्ट डॉट लोड डेटा अकाउंट डॉट यस ऑब्जेक्ट टाइप एंड माई टेस्ट डेटा। तो जो माई टेस्ट डेटा है ये आपका क्या है,
स्टैटिक रिसोर्स का नाम, और यहाँ पे आपका जो भी लॉजिक नीचे देना है, ठीक है। तो बट हम बहुत कम यूज करते हैं टेस्ट डॉट लोड का, क्योंकि हम सी एस वी फाइल में डेटा क्यों अपलोड करें, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। कभी किसी को वैलिडेशन रूल किसी ने लगा कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 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 टेस्टिंग चेंज हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो बार बार आप स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करोगे, चेंज करोगे, तो उसके लिए हमारा पास बेस्ट तरीका क्या होता है, हम यूज करते हैं टेस्ट डेटा फैक्ट्री। ओके, अब आते हैं अपने टेस्ट डेटा फैक्ट्री पे। तो टेस्ट डेटा फैक्ट्री पे कैसे बनाएंगे टेस्ट डेटा फैक्ट्री और उस पे कैसे यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं टेस्ट डेटा फैक्ट्री पे, ठीक है। तो हमने ये आपको बता दिया टेस्ट सेटअप और द रेड टेस्ट सेटअप, वी कैन क्रिएट वन क्रिएट टेस्ट डेटा मेथड विद टेस्ट मेथड एनोटेशन प्रॉम्प्ट्स रिड्यूस रिपीटेटिव कोड, क्योंकि हम एक बार टेस्ट मेथड में सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए तो दोबारा वो हमारा रिपीटेटिव कोड अवॉइड कर देता है। एंड वेरिएबल आउट ऑफ द इंडेक्स, तो वेरिएबल उसमें मतलब इंडेक्स होता है, मतलब आप डायरेक्टली उस जो वेरिएबल आपने वहां पे बनाए हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, कि जैसे मेरा टेस्ट डेटा सेटअप के अंदर ये वेरिएबल बनाया है, तो ये वेरिएबल डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो एरर दिखाएगा, तो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, तो हमें उसलिए सेक्वल क्वेरी करके उस रिकॉर्ड को गेट करना पड़ता है इसी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की, और हमारा जो मेन है इसका एग्जांपल देखिए टेस्ट डेटा फैक्ट्री। तो मेन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, टेस्ट डेटा फैक्ट्री, ठीक है, टेस्ट फैक्ट्री। हियर एग्जाम्पल ऑफ द टेस्ट डेटा फैक्ट्री इन सेल्स प्रॉन्स सिंगल लोकेशन टू अपडेट स्कीमा इन अ कोड कॉन्स वेरिएबल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें भी हमारा वेरिएबल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे वो आते हैं, चलते हैं अपने टेस्ट डेटा फैक्ट्री कैसे यूज करेंगे। जैसे आप मेरा यही एक डेटा है, ठीक है, अब टेस्ट फैक्ट्री नाम दे दो या आप टेस्ट डेटा फैक्ट्री, मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ऑलरेडी कोई टेस्ट डेटा फैक्ट्री है कि नहीं। टेस्ट डेटा, हाँ, तो मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट डेटा फैक्ट्री है। तो आप देखोगे मेरा टेस्ट डेटा फैक्ट्री के अंदर क्या क्या है, एक अकाउंट मेथड क्रिएट अकाउंट करके मैंने बना दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक अकाउंट का नाम बस पास करता हूँ और अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने उसको यूनिक बनाने के लिए सिस्टम डॉट नाउ कर लिया है, हमेशा मेरा ये यूनिक नेम यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। तो अब या तो आप ऐसे मेथड बना लो, या आप क्या करो, कोई जो यहाँ पे आप मेथड पास करोगे, जैसे आप मुझे एक टेस्ट डेटा फैक्ट्री को यूज करना है, मतलब इस मेथड के अंदर आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, आप रिकॉर्ड बनाते जाओ। तो मैंने एक टेस्ट डेटा फैक्ट्री का कोड भी रखा है अपना, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपना टेस्ट डेटा फैक्ट्री का यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे मेरा लीड है, क्रिएट लीड बुलियन इज इक्वल टू इंसर्ट, अगर इज टू पास करो तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेगा, अदरवाइज डेटा को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये सारी आप कन्वर्ट लीड लीड के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो, तो लीड के लिए आप टेस्ट डेटा फैक्ट्री बना लो। बट जो हमारा मेथड देखो क्या है, आर द रेड इज टेस्ट, तो जो आप टेस्ट डेटा फैक्ट्री बनाओगे वो भी आपका इज टेस्ट ही होना चाहिए हमेशा, ओके। देन पब्लिक स्टैटिक क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पे हमने अकाउंट दे दिया टेस्ट अकाउंट करके। अब यहाँ पे डू इंसर्ट, आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रू पास कर दो, अदरवाइज ये। अब मान लो मैंने एक टेस्ट डेटा फैक्ट्री बना लिया, अब इसको यूज करना है तो कैसे करोगे, आप मेथड को कॉपी करो टेस्ट डेटा फैक्ट्री का, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक कोड लिखा था, अब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, इसको हमने हटाया टेस्ट डेटा फैक्ट्री का नाम कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपना दे दिया क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे बुलियन, अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या करना है, ट्रू पास कर देना है, अदरवाइज वो रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करेगा, सिर्फ रिटर्न कर देगा जो आप वहाँ पे डेटा लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डू इंसर्ट द रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद फिर रिटर्न कर देगा, अगर आपको सिर्फ रिकॉर्ड का डेटा स्कीमा चाहिए इंसर्ट करके तो बिना विदाउट इंसर्ट तो वो भी कर देगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पास डेटा इंसर्ट होकर रिटर्न होकर आ गया इसके अंदर। अब अगर आप टेस्टिंग करोगे, बट यहाँ पे नाम चेंज हो गया, तो आपको क्या नाम है अब, टेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसके अंदर टेस्ट डेटा टेस्ट अकाउंट पास करके आईडी ले आओ। अब देखो टेस्ट डेटा फैक्ट्री के अंदर आप इसको रन करो आपका। अब यहाँ पे दूसरे किसी एपेक्स क्लास में अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये
और यहाँ पे टेस्ट क्लास आपका प्रॉपर चल रहा है। तो अब सेम यही आपको अकाउंट क्रिएट किसी और एपेक्स क्लास में करना हो तो क्या करना है, सिर्फ इसी मेथड को दोबारा कॉल करना है। तो बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर और डेवलपर आ गए, उनको जरूरत है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो कर लिए। हो सकता है किसी डेवलपर को डिफरेंट यहाँ पे नेम है, उनको कुछ टाइप वगैरह भी चाहिए, तो वो क्या करे, अपना एक दूसरा मेथड बना के यहाँ पे ऐड कर ले और उसका नाम दे दे क्रिएट अकाउंट विद टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे अपना वो ऐड कर सकता है, ACC डॉट टाइप भी ऐड कर लेगा, जो भी पिकलिस्ट की वैल्यू है आपकी, है ना, प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे वर्ड कर लेगा अपना, फिर दोबारा जो मेथड कॉल करना है वो अपना अंदर मेथड कॉल कर लेगा। तो एक ही जगह इन फ्यूचर फिर मुझे जरूरत पड़ेगा या किसी और डेवलपर जरूरत पड़ेगा, वो इस मेथड को कॉल कर लेगा, वो हमेशा चेक कर लेगा। तो जो भी डेवलपर होते हैं वो हमेशा आकर टेस्ट डेटा फैक्ट्री में चेक करते हैं कि ऑलरेडी कोई मेथड तो नहीं है इसके अंदर, अगर ऑलरेडी है तो उसको यूज कर लेते हैं, अगर नहीं होता है तो यहीं पे क्रिएट करके इसको अपडेट कर लेते हैं, जब डिप्लॉयमेंट होता है तो उसके साथ में इसको भी डिप्लॉय कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है, हर बार आप इसको रीयूज कर सकते हो बार बार अपने एपेक्स क्लास के अंदर, है ठीक है। तो आप इसको रीयूज कर सकते हो अलग अलग आप डिफरेंट डिफरेंट में, ठीक है। अब टेस्ट डेटा फैक्ट्री मेरा ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं कंसिडरेशन। टेस्ट क्लास डिड नॉट कमिट द डेटा विच इज क्रिएटेड इन टेस्ट मेथड, सो यू डोंट नीड टू डिलीट द टेस्ट डेटा विच इज क्रिएटेड इन टेस्ट क्लासेस। लेट्स सी मोर कंसिडरेशन इन डिटेल्स। तो यहाँ पे पहला कंसिडरेशन है मेरा, टेस्ट मेथड एंड टेस्ट क्लासेस आर नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ कोड लिमिट। तो जो भी कोड का लिमिट होता है वो आपका टेस्ट क्लासेस और टेस्ट मेथड कोई भी काउंट नहीं होता है, ओके। सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट आर नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ एपेक्स कोड लिमिट। मैंने आपको बताया कोड, अगर आप एपेक्स कोड लिखते हो तो उसको काउंट में काउंट नहीं होता है आपका सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। इज टेस्ट एनोटेशन विद टेस्ट मेथड इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट मेथड कीवर्ड, ओके। या तो आप इज अदर टेस्ट यूज करो या फिर टेस्ट मेथड कीवर्ड यूज करो, पर आप बेस्ट प्रैक्टिस में अपना अदर इज टेस्ट ही यूज करो हमेशा, ओके। टेस्ट क्लास एंड मेथड डिफॉल्ट एक्सेस इज प्राइवेट, नो मैटर टू एड एक्सेस स्पेसिफाइड। तो अगर आपको उसमें जो टेस्ट का क्लास का मेथड होता है, हमने वहां पर पब्लिक का या प्राइवेट वो डजन मैटर, अब विदाउट एक्सेस फायर भी लिख ओपन, मतलब जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो टेस्ट क्लास बनाया था, जरूरी नहीं कि आप एक्सेस फायर यहाँ पे आप दो, ठीक है। जैसे हमने बनाया था, आप इसको हटा के डायरेक्टली स्टैटिक करके बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसको एक्सेस फायर दो, आप इसको विदाउट एक्सेस फायर भी यूज कर सकते हो, फिर भी आपकी फंक्शनलिटी सेम वैसा ही वर्क करेगा जैसा वर्क कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको टेस्ट क्लास रन करूंगा तो आप देखोगे कोई भी आपका टेस्ट क्लास में एरर नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट क्लास में एरर नहीं है, रन कर रहा है और आपका कोड कवरेज भी प्रॉपर ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने इस पे कि जो क्लासेस विद और टेस्ट एनोटेशन कांट बी इंटरफेस और इनम। तो वो आपका जो भी अदर इज टेस्ट करके होती है वो आपका इंटरफेस नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी का आप एक्सटेंड कर लो और उसको यूज कर लो, ठीक है, वो आपका इंटरफेस नहीं हो सकता है, इनम नहीं हो सकता। टेस्ट मेथड कोड कांट बी इनवॉक बाई नॉन टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप टेस्ट मेथड होता है उसको बिना नॉन कोई सी नॉन इनवॉक नहीं कर सकते हो किसी भी नॉन रिक्वेस्ट से, टेस्ट रिक्वेस्ट से, ओके। स्टार्टिंग विद द सेलेक्शन API 28 टेस्ट मेथड कैन नॉट री डिसाइड इनसाइड नॉन टेस्ट क्लासेस। तो API 28 आया था उसमें आपका डिसाइड हो चुका था कि आपका नॉन टेस्ट क्लासेस उसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। टेस्ट विजिबल एनोटेशन टू मेक विजिबल प्राइवेट मेथड इनसाइड द टेस्ट क्लासेस। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई मेथड प्राइवेट है तो उसको भी आप अदर टेस्ट विजिबल करके आप उसको टेस्ट क्लास में विजिबिलिटी दे सकते हो। टेस्ट मेथड कांट बी यूज्ड टू टेस्ट वेब सर्विसेज कॉल आउट, प्लीज यूज कॉल आउट मॉक क्लासेस। तो जब भी आप टेस्ट क्लासेस किसी इंटीग्रेशन के लिए लिखते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप टेस्ट मेथड यूज नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको
मॉक क्लास बनाना पड़ता है, उसके लिए हम एक अलग सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का टेस्ट क्लास कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यू कांट सेंड ईमेल फ्रॉम टेस्ट मेथड, तो आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते हैं टेस्ट मेथड के अंदर। सी आर डेटा इक्वल ट्रू विल नॉट वर्क इन API 2.3 वर्जन, तो 23 वर्जन में आपका सी आर डेटा इक्वल ट्रू यूज नहीं करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कैसे यूज करते हैं सी आर डेटा इक्वल ट्रू। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट मेथड होता है, ठीक है, जैसे टेस्ट विजिबल है, तो यहीं पे जो आपका मेथड यूज कर रहे हो, सॉरी, इसके अंदर जहाँ पे आप यूज कर रहे हो टेस्ट इज टेस्ट, तो यहीं पे आपको यहाँ पर दे सकते हो सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू, ठीक है, या फिर आप क्लास लेवल पे ही जाके यहाँ पे भी आप दे सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी क्या दिखा रहा है, टेस्ट क्लास कंटेनिंग टेस्ट सेटअप मेथड कैन नॉट बी, तो जब ये टेस्ट मेथड होता है तो हमारा उसको आप टेस्ट सी आर डेटा को ट्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हमने हटा दिया टेस्ट सेटअप तो आपका हट गया, ठीक है। तो ये इसीलिए हम टेस्ट सेटअप यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा प्रॉपरली इंसर्ट हो उसके लिए। देन वी कैन रन यूनिट टेस्ट बाई यूजिंग सेल्स फोर्स स्टैंडर्ड UI Force.com ID कंसोल एंड API, तो हम टेस्ट क्लास को रन कर सकते हैं, आप VS कोड यूज करते हो उससे भी कर सकते हो, सेल्स फोर्स का स्टैंडर्ड UI कर सकते हो, और डेवलपर कंसोल से तो हम बता दिए कैसे करते हैं। सिस्टम डॉट रनएज विल नॉट इनफोर्स यूजर परमिशन और फील्ड लेवल परमिशन, तो जो यूजर सिस्टम डॉट रन है जो यूज करते हैं हम उसके लिए आपका ये रन नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बस एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि कैसे उसको यूज करते हैं बेसिकली। ओके, तो आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई टेस्ट क्लास है, ठीक है, मैं नॉर्मली एक यूजर बना के दिखा देता हूँ, बनाना है सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ID फ्रॉम यूजर लिमिट 1 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोफाइल भी मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। तो सिस्टम डॉट रन एज यहाँ पे यूज करना होता है, और इसके अंदर आपको जो यूजर है किसके भी आप किस के कॉन्टेक्स्ट किस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में उसको रन करना चाहते हो उसको रन कर उसके अंदर करके, और इसको आप यहाँ पे ऐसे रैप कर दोगे तो उसके अंदर, तो क्या होगा, अभी जो मेरा टेस्टिंग होगा किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, इस यूजर के कॉन्टेक्स्ट में, जो भी यूजर आप यहाँ पे यूज करोगे। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एवरी टेस्ट टू रन एज काउंट अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ टीएमएल इशूड इन द प्रोसेस, तो जो भी आपका नंबर टोटल सेल्स फोर्स ने डिफाइन किया उसमें वो आपका काउंट होता है, ठीक है। टेस्ट इन्वायरमेंट सपोर्ट एट द रेट टेस्ट विजिबल एट द रेट टेस्ट सेटअप एचवेल, तो जो आपका टेस्ट इन्वायरमेंट होता है वो आपका ये टेस्ट विजिबल और टेस्ट सेटअप दोनों आपको सपोर्ट करता है। टेस्ट मेथड शुड स्टैटिक एंड नो वॉइड रिटर्न टाइप, तो आपको उसको बोल रहा है कि जो भी आपका सेल्स फोर्स जो आप बनाते हो टेस्ट मेथड, तो उसको आप हमेशा स्टैटिक और नो वॉइड रिटर्न, मतलब कुछ भी रिटर्न डेटा नो रिटर्न करो, बस वॉइड रखो उसको। एक्सेसिंग स्टैटिक रिसोर्स टेस्ट रिकॉर्ड इन टेस्ट क्लास एग्जाम्पल लिस्ट इक्वल टू टेस्ट डॉट लोड अकाउंट या सब्जेक्ट टाइप स्टैटिक रिसोर्स नहीं, तो आपका ये स्टैटिक रिसोर्स आप डॉट लिस्ट से लोड कर सकते हो किसी CSV फाइल को अगर आपने स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड किया है उसके लिए। तो ये था मेरा टेस्ट क्लासेस, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कि कैसे यूज करेंगे, कैसे बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीखेंगे कि आपको कैसे आपको टेस्ट क्लासेस अपने इंटीग्रेशन के लिए लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आगे की टेस्ट क्लासेस कैसे लिखने हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस कैसे फॉलो करनी है थोड़ा बहुत आपको इसमें अच्छे से जानकारी मिल गई। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।